ये दुनिया मेरा घर है, स्टेशन मेरा अड्डा है, जब मन करे आ जाना, राजू मेरा नाम है। और सब प्यार से बोलते हैं नंबर वन कूली नंबर वन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। एक ही बात कहूंगा इस ट्रेलर के रिव्यू को शुरू करने से पहले, अगर ये फिल्म थिएटर में आती तो ये वरुण धवन की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म होती मेरा भाई। मैसिव डेविड धवन जब सामने आ रहा है अपने लड़के को लेकर, एंड गाइस सिर्फ अकेला डेविड धवन नहीं बल्कि हमारे इंडस्ट्री के टॉप कॉमेडियन एंड टॉप कैरेक्टर आर्टिस्ट लोगों को लेकर आ रहा है, ये फिल्म कहीं गलत हो ही नहीं सकती। ये हमारा दुर्भाग्य है कि ये फिल्म ओटीटी पर आ रही है। गाइस देयर आर स्टॉलवर्ट्स इन दिस फिल्म। कैन यू इमेजिन कादर खान का रोल परेश रावल इतनी बेहतरीन तरीके से निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं यार ट्रेलर में। हाँ, कादर खान को रिप्लेस कर नहीं सकता, लेकिन ये 2020 है मेरा भाई, ये 1990 का एरा नहीं चल रहा। एंड जिस तरह से कूली नंबर वन को 2020 के ऑडियंस के लिए यहां पर डेविड धवन ने रिक्रिएट किया, फैंटास्टिक। आई मीन लिटरली स्पीकिंग, परेश रावल है इस फिल्म में, शक्ति कपूर का आओ ललिता मामा जी का किरदार यहां पर राजपाल यादव निभा रहे हैं। एंड सीइंग राजपाल यादव आफ्टर एजेस इज ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। लेकिन मेरा भाई सदाशिव अमरापुरकर का कैरेक्टर निभा रहे हैं यहां पर जावेद जाफरी, जो कि फैंटास्टिक है। तीन लोग काफी इस फिल्म में, परेश रावल, राजपाल यादव एंड जावेद जाफरी, इन तीनों से नजरें हटी नहीं। अगर ये तीन भी आपको कम पड़ रहे हैं तो मेरा वाह, इसमें भूला जॉनी लीवर एज द पुलिस इंस्पेक्टर इज द चेरी ऑन द केक। लेकिन मेरा भाई दिस इज द जॉनर, दिस इज द टाइप ऑफ फिल्म दैट वरुण धवन एक्सेल्स इन ओवर द टॉप। मतलब ओवर द टॉप रहना ही रहना है इस फिल्म में। एंड यहां पर वरुण धवन ब्रांड ऑफ सिनेमा जो है एकदम परफेक्ट बैठता है। ही एज कूली इज फैंटास्टिक। हाँ, गोविंदा को कोई मैच नहीं कर सकता, गोविंदा एक वन पीस है, लेकिन मेरा भाई दिस इज अ रीमेक एंड वरुण धवन इज फैंटास्टिक। राइट फ्रॉम हिज डायलॉग डिलीवरी टू द ओवर टॉप एक्टिंग टू हिज यू नो इमोशंस टू हिज एक्शन सीन्स टू हिज डांस। डांस में इस बंदे का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन इस ट्रेलर का हाईलाइट इज द म्यूजिक मेरा भाई। जिन भी लोगों ने या म्यूजिक क्रेडिट्स में म्यूजिक का नाम किन्हों दिया नहीं है, जितने लोगों ने म्यूजिक दिया है, इसमें स्पेशल हम एपिसोड्स बनाएंगे। राइट फ्रॉम हुस्नैन सुहाना, क्या रिक्रिएशन है मेरा भाई। हुस्नैन सुहाना इश्क है दीवाना, वरुण धवन लिटरली यू नो मैं तेरा हीरो का जो सॉन्ग्स थे उसी तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया है डेविड धवन ने। एंड गाइस सारा अली खान इज ब्यूटी 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 ब्यूटी, शी इज लुकिंग सो हॉट इन दिस फिल्म। एंड स्पेशली उनका जो ऐसा मिलने का तरीका है दोनों का, वरुण एंड सारा को बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। लेकिन गाइस जो डायलॉग्स है फरहाद साम जी, हो मेरा वाह, मतलब चीजी लाइंस है, चीजी डायलॉग्स है। वो जो फरहाद साम इसके लिए मशहूर है गाइस, यहाँ पर कुंवर राज प्रताप के बेटे हैं यहाँ पर। हाँ, अरे बुर्ज खलीफा इसका ही है, पोर्ट भी इसका है, सिंगापुर का सबसे अमीर आदमी है। मामा जी आते हैं राजपाल यादव के नीचे बॉल लग जाता है एंड मामा जी साथ में आ जाते हैं शादी करने के बाद यहाँ पर सारा अली खान के साथ, फैंटास्टिक। लेकिन गाइस यहाँ पर एक ट्रेलर में गाना है मम्मी कसम, दैट सॉन्ग इज गोना बी हाईलाइट। एक और गाना है, पूरे एपिसोड बनाएंगे गाने के ऊपर, फैंटास्टिक। लोग डर रहे थे कि सिर्फ पुराने गानों का रिक्रिएशन होगा, दो ओरिजिनल गाने भी है इस फिल्म में, एक तो मम्मी कसम है, दूसरा हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। मम्मी कसम की पिक्चराइजेशन इज फैंटास्टिक, बड़े बड़े यहाँ पे चुने आर्टिस्ट लोगों को लेकर गाने को पिक्चराइज किया गया। लेकिन जो टाइटल है, जो एंट्री है कूली की, फैंटास्टिक। पूरा ट्रेन लगाए हुए है, सारा अली खान की फोटो लगाई हुई है, पैसे की चिंता यहाँ पर वाशु बंगनानी ने इतना भी नहीं की है। एंड यहाँ पर रजत रवेल भी है इस फिल्म में, साहिल वेद भी है जो लास्ट टाइम दिल बेचारा में दिखे थे। एंड जिस तरह से कुंवर का एक रिची रिच यू नो एटमोसफियर क्रिएट किया गया कि इतना अमीर है यहाँ पर, एंड जिस तरह से उसकी बंगले दिखाया, उसकी गाड़ी दिखाई है, जूस स्कीम का बंगला देखकर परेश रावल गिर जाता है। एंड जिस तरह से यू नो वो सीन जहां पर परेशान को पता चलता है कि ये कोई राजा अमीर नहीं है, ये कूली है, एंड उसका आग का शक, कूली का दूसरा जो ढूंढवा रहता है वो यहां पर आता है वरुण धवन का भाई इन द टपोरी, फैंटास्टिक। ऑल डिपार्टमेंट द फिल्म एक्सेल्स। लेकिन गाइस बात करें यहाँ पर डेविड धवन के डायरेक्शन की, वो जनता की नफ्स और जनता की जो पल्स है वो जानते हैं, एंड उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मसाला भरा गया है। एक्शन सीन्स की बात करें, एक्शन सीन्स वरुण धवन लुकिंग वेरी सीरियस, एंड जिस तरह से
कूली नंबर वन का डायलॉग मार के परेश रावल को अपने पास खींचते हैं, वो सीन भी काफी माइंड ब्लोइंग तरीके से दिखाया गया है। सारा अली खान की जो केमिस्ट्री है यहाँ पर वरुण धवन के साथ वो बहुत बेहतरीन है। जितने भी गाने हैं बड़े बड़े स्केल पे गाने शूट हुए हैं, दोनों काफी फैंटेसी लग रहे हैं। राजपाल यादव एक सीन में चड्डी पे है, गाड़ी पे घूमते हुए दिखाई दे रहा है, वो आइकॉनिक लास्ट वाला सीन जहाँ पर वरुण धवन नर्स बनकर गया है, ऑब्वियसली उसमें गोविंदा और हरीश थे नर्स बन के गए थे, वो सीन भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से पिक्चराइज किया गया है। लेकिन परेश रावल इज द हाईलाइट ऑफ दिस ट्रेलर। जिस तरह से उनका डायलॉग डिलीवरी है, जिस तरह से वो चौंकते हैं कुली को देख के, फैंटास्टिक। जावेद जाफरी एज यू नो द मैरिज ब्रोकर सदाशिव अमरापुरकर ने निभाया था, फैंटास्टिक। वरुण धवन के लुक्स काफी अच्छे, चाहे वो ऋचि रिच का हो या फिर कुंवर का लुक हो, कूली का लुक हो, फैंटास्टिक। राजपाल यादव इस फिल्म में 4 नहीं 5 चांद डाल देते हैं। इसमें छोटा कुत्ता भी है जो वरुण धवन के हाथ में हमेशा रहता है, वो भी फैंटास्टिक दिखाया है। लेकिन सारा अली खान इज द हाईलाइट ऑफ दिस ट्रेलर। शी लुकिंग हॉट, शी लुकिंग गॉर्जियस, एक डायलॉग है वो इसमें काफी अच्छा है। हुस्न सुहाना का रिक्रिएशन फैंटास्टिक है। एटीएम का फोन है, हाँ, अंबानी ट्रंप एंड मोदी एक साथ तीनों कॉन्फ्रेंस कॉल में है, वो डायलॉग यहाँ पे फैंटास्टिक है। कोरियोग्राफी इज गोना बी आउट ऑफ द वर्ल्ड मासी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सब चीजें आपको थिएटर में देखने नहीं मिलेगी, ये सब चीजें आपको ओटीटी में देखने मिलेगी, जो कि इस फिल्म का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। वरना गेटी गैलेक्सी में ये फिल्म पक्का पहले दिन हाउसफुल होती, हाँ उसके बाद फिल्म का मेरिट बोलता। फिल्म में काफी हॉट एक स्मूथ सीन भी है अंडर वाटर जो काफी सुर्खियों में रहेगा, मैं वो सीन का इंतजार कर रहा हूँ जब राजपाल यादव मामा बन के सारा अली खान के जाएगा और लोग उसको टोपी पहना के मुंबई में छोड़ देंगे, वो सीन मजा आएगा देखने के लिए, इनका इंतजार कीजिए। ऑल इन ऑल काफी फन ट्रेलर था, काफी मासी ट्रेलर था, जिस तरह से ट्रेलर्स होने चाहिए ऐसे मास फिल्म के, उस तरह के साथ। एंड अनफॉर्चुनेटली लाइक डिसलाइक बंद कर दिया गया इस ट्रेलर का, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है ये फेक नेगेटिविटी ने बॉलीवुड का दिमाग खराब करके रख दिया है। इसलिए गाइस कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइक डिसलाइक बंद कर दिया, अभी ये पैटर्न चलने वाला है आने वाले कई टाइम पे, क्योंकि गाइस यहाँ मेहनत करते हैं लोग, उनको अप्रिशिएट करने वाले को है नहीं, बस लाइक डिसलाइक बटन चालू कर दिए, घर पे बैठो 50-60 रुपए का रिचार्ज कराओ एंड लाइक डिसलाइक मारते रहो, इन पे ध्यान मत दीजिए। ट्रेलर फैंटास्टिक है, ओरिजिनल से कंपेयर मत कीजिए, फिल्म देखिए फिर इसके बारे में बात करेंगे। ओके गाइस, मैं अंसारी साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन।